वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभात पीतांबर दरुण बिम बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि अगरे करुणा मत पांडवानां दुशासनेना हतवस्त्रकेश कृष्णात्तदाक्रो शदनन्य नाता कृष्णात्तदाक्रो शदनन्य नाता गोविंद दामो धर्माधवे गृहे गृहे गोप वदु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यम् पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यम् गोविंद दामो धर्माधवे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा अमृत मेत देव गोविंद दामो धर्माधवे ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद एक अध्याय 19 श्लोक क्रमांक 9। अत्रि वसिष्ठ चवन शरद्वान् अरिष्ठनेमि भृगुरङ्गिराश्च। बोलिए। पराशरोगाधिसुतोऽथ राम उतत्य इन्द्र प्रमदेद्मवाहो मेदातिति देवल आष्टिषेणो भारद्वाजो गौतम पीपलादः मैत्रेय उर्वकवश कुम्भयोनि द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवरिया राजर्षिवरिया अरुणादयश्च नानार्षय प्रवरान् समेता अभियर्च राजा शिरसा ववन्दे नभ्यर्च राजा शिरसा ववन्दे सुखोपविष्ट्वेष्वतते शुभूय पविष्टे स्वथते शुभूय कृत प्रणाम स्वचिकीर्षितं यत् प्रमाण स्वचिकीर्षतन्त विज्ञापयामास विमिक्तचेता चेता उपस्थितोऽग्रे बृगृहीतपाणिः उपस्थितोऽग्रे बृगृहीतपाणि। बोलिए नौवां श्लोक। अत्रि वसिष्ठ स्वयवन्ह शरदा अत्रि वसिष्ठ चवन शरदवान् अरिष्ठनेमिर्भृगुरश्चिराश्च अरिष्ठनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च
पराशरोगाधिसुतोऽथ राम पराशरोगाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इन्द्र प्रमदेद्यं वाहो उतथ्य इन्द्र प्रमदेद्म वा। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के अनुवाद में लिखते हैं, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ आए, यथा अत्रि चवन शरदवान अरिष्ट नेमी भृगु वशिष्ठ पराशर विश्वामित्र अंगिरा परशुराम उतथ्य इंद्र प्रमद इद्म बाहु मेधातिथि देवल आष्टिशेण भरद्वाज गौतम पिपलाद मैत्रेय औरव कवश कुंभ योनि द्वैपायन तथा महापुरुष नारद। इस श्लोक को समझाते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, चवन ये महामुनि थे तथा भृगु मुनि के पुत्रों में से एक थे। उसका जन्म समय से पूर्व हुआ था, जब इनकी गर्भिणी माता का अपहरण हुआ था। चवन अपने पिता के 6 पुत्रों में से एक थे। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने समस्त ऋषि मुनियों के बारे में विस्तार से जनाया। नमो विष्णु पादाय, बोलिए, यभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन वॉशिंगटन DC के समस्त वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से कथा का श्रवण करने हेतु आए हुए समस्त अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक उपकरणों के माध्यम से इस भागवत कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम एवं अंतिम दिवस में पुनः एक बार आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य से विभूषित
गत 7 दिनों से बड़े भाव से, प्रेम से, निर्विघ्नता से भागवत कथा रस का आस्वादन कर रहे हैं और भागवत के माध्यम से महाभागवत महाराज परीक्षित की कथा श्रवण कर रहे हैं। वैसे भागवत में भगवान की कथा भी है और उनके भक्तों की कथा भी है और दोनों उत्तम है, परंतु तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए भगवान की कथा श्रेष्ठ या भक्तों की कथा श्रेष्ठ? भगवान की कथा सुनने से भक्त प्रसन्न होते हैं, भगवान की कथा सुनने से भक्त प्रसन्न होते हैं और जब भक्त की कथा सुनते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। महाभागवत महाराज परीक्षित की कथा श्रवण करने से निश्चित भगवान प्रसन्न होते हैं। एक बार दिल्ली के दरबार में राजा अकबर के वहां प्रश्न उठा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। अगरबत्ती अंदर में, विद्वानों की सभा लगी हुई थी, अनेकों विद्वान वहां पर उपस्थित थे। किसी ने कहा जहां पनाह, महाराज इस संसार में सबसे बड़ा तत्व यदि कोई है तो वो पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी से अन्न मिलता है, पृथ्वी से जल मिलता है, जीवन की सारी इच्छाएं देवी पृथ्वी पूर्ण करती हैं। महाराज पृथ्वी बड़ी है। तब किसी विद्वान ने कहा मैं मानता हूं पृथ्वी बड़ी है, परंतु पृथ्वी से बड़ा है सूर्य, दिखने में छोटा है क्योंकि वह दूर है, निकट से देखा जाए तो सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। तब किसी अन्य विद्वान ने कहा कि सूर्य से बड़ा है भगवान का धाम, भगवान का लोक वैकुंठ सूर्य से भी बड़ा है। न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावक। उस विद्वानों की सभा में तालियां बजी, प्रशंसा होने लगी कि बहुत सुंदर उत्तर, के सबसे बड़ा स्थान वैकुंठ है, भगवान का धाम है। किसी एक विद्वान ने कहा महाराज भगवान के धाम से एक बड़ा तत्व है। कौन? बोले साक्षात भगवान, क्योंकि भगवान का धाम भगवान से ही तो प्रकट होता है। फिर से तालियां बजी कि तो उनसे भी अच्छा जवाब मिला। तब अंत में उस सभा में एक भक्त बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज भगवान से भी बड़ा तत्व है। बोले भगवान से बड़ा तत्व? बोले हां मैं जानता हूं भगवान से भी एक बड़ा तत्व है। वैसे मधुसूदन सरस्वती ने जीवन भर तक उन्होंने मायावाद का प्रचार किया। मधुसूदन सरस्वती, और फिर एक दिन घूमते घूमते ब्रज वृंदावन में गए, भगवान कृष्ण की ब्रज रसिक लीलाओं को जब सुना पढ़ा, कृष्ण का जब अनुभव किया, मधुसूदन सरस्वती मायावाद भूल गए। फिर उनको पूछा गया कि आपकी दृष्टि से परम तत्व कौन है। मधुसूदन सरस्वती ने उत्तर देते हुए कहा वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पिताम्बरात
अरुण बिंब फला धरोष्टात, आप रोज मंगलाचरण में सुन रहे हैं ना, ये मधुसूदन सरस्वती का श्लोक है। बोले जो हाथों में वंशी धारण करते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, जिनके अधर ओष्ट लाल रंग के बिंब फल के समान है, ऐसे भगवान कृष्ण कृष्णात परम तत्व अहम न जाने। ऐसे कृष्ण से बड़ा तत्व मैं और कोई नहीं जानता हूं, अर्थात इस धरती पर सबसे बड़ा तत्व यदि कोई है तो वह कृष्ण है। लेकिन राजा अकबर की सभा में किसी ने कहा कि कृष्ण से भी बड़ा तत्व है। बोले कौन? बोले कृष्ण से बड़ा तत्व है कृष्ण के भक्त। भक्त जो है वो भगवान से भी बड़े हैं। और प्रमाण भागवत के नवम स्कंद में अम्बरीश दुर्वासा के प्रसंग में साक्षात भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीन, हे दुर्वासा जी मैं मेरे भक्त के अधीन रहता हूं, मैं मेरे भक्त के वश में हो जाता हूं, मैं मेरे भक्तों का सेवक नौकर बन जाता हूं। इसलिए भगवान से भी श्रेष्ठ तत्व है भगवान के भक्त। और आज हम सब का परम सौभाग्य है कैसे महाभागवत महाराज परीक्षित की कथा पिछले 7 दिनों से हम सुन रहे हैं। आइए आज अंतिम दिन है, अंतिम बार इस पद को गा लेते हैं। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक भागवत भागवत शास्त्र, एक भागवत बार भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, हरेक भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, हरेक भक्त 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 भक्ति रस पात्र, दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, 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 तहार हृदय तार प्रेमे हयवश, तहार हृदय तार प्रेमे हयवश, तहार हृदय तार प्रेमे हयवश, तहार हृदय तार प्रेमे हाई वाशा।
एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र। ऐसे महाभागवत कूलिंग कर दीजिए, गर्मी हो रही है। 65 पे कीजिएगा, मेरे पर बहुत सारे लाइट है ना इसलिए। महाभागवत महाराज परीक्षित की कथा हम सुन रहे हैं। गत 7 दिनों से अनेकों भक्त इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। देवी कुंती कहती हैं, कथा सुनने वाला भगवान को प्राप्त करता है, कथा सुनाने वाला भगवान को प्राप्त करता है। वे कहती हैं, कथा का अनुमोदन करने वाला भी भगवान को प्राप्त करता है। भागवत कथा की विधि में एक ऐसी विधि है कि 7 दिन तक कथा श्रवण करके हृदय में जो मोद, जो आनंद हो रहा है, वह आनंद अन्य भक्तों के बीच में व्यक्त करना, जिससे उस आनंद की वृद्धि होती है और अन्य को भी वह आनंद व सुख प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों के द्वारा कुछ अनुमोदन भागवत कथा में होता है, विशेष भागवत के किसी सब्जेक्ट के ऊपर कि भागवत को मुझे भागवत का यह विषय अच्छा लगा या यह पॉइंट मेरे हृदय को स्पर्श कर गया या इस भागवत कथा से मुझे ये प्रेरणा मिली या मैं संकल्प लेना चाहता हूँ, ये सब बातें अनुमोदन के अंतर्गत होती हैं। कुछ भक्त यहाँ पर अनुमोदन करना चाहते हैं। मैं निवेदन करता हूँ मधुसूदन प्रभु से कि एक के बाद एक भक्त को यहाँ पर बुलाए और भागवत कथा का अनुमोदन करें। यहाँ नज़दीक आ जाइए स्टेज के पास, अंदर आ जाओ और अंदर बस। हरे कृष्ण। जैसे प्रभु जी ने बताया, वी गोइंग टू डू, यहाँ हम अनुमोदन के लिए मैं सबको बुलाऊंगा जो, हरे कृष्ण, यस। सो अनुमोदन के लिए मैं बुलाऊंगा सम ऑफ द डिवोटी, दे आर बीन इन्फॉर्म्ड, सो प्लीज़ कम एंड डू द अनुमोदन। मैं ये पहले इधर गोविंद माधव प्रभु को बुलाऊंगा। प्लीज प्रभु कम फॉर। थोड़े अंदर आ जाइए ताकि वहां पर आप कैच हो जाओ। यस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, और थोड़े कृष्णा कृष्णा, ठीक ठीक, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। सबकी नींद भाग गई। प्रभु जी ने कथा चालू, मुझे पता है कि कथा चालू होने के बाद सबकी नींद भाग जाती है, तो पहले मुझे खड़ा कर दिया। मुझे लगा कि एंड में बात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु जी का धन्यवाद, मैं आप सबके तरफ से, मेरे तरफ से, और मैं पर्सनली मेरे वैयक्तिक कुछ भावनाएं जो है वो मैं सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक तो ये यही जगह पर हमने करीब 10 साल पहले अजामिल की कथा सुनी थी और वो कथा की थी हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज ने, और पिछले कुछ सालों से राधा गोविंद महाराज अभी आ नहीं पा रहे हैं तो हम बहुत मिस करते थे। हम सब भक्तों के बीच में आपस में बात यही होती थी, कब आने वाले गुरु महाराज, कब आने वाले गुरु महाराज।
गुरु महाराज ने उनका रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया। अब ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनको कितना पकड़ के रखते हैं, हर साल उनको आने के लिए मजबूर कर सकते हैं या नहीं है। तो मेरी आप सबसे विनंती है कि आप पर्सनली हर कोई लाल गोविंद प्रभु जी से विनती कीजिए कि हम जो महाराज श्री को मिस कर रहे थे तो प्लीज कम एंड ब्लेस अस। अनुमोदन में तो ये बातें तो नहीं कही जाती है, अनुमोदन में कहा जाता है कि कथा के बारे में, तो ये तो भागवत कथा थी, हम तो 10 साल से भूल ही गए थे जब से राधा गोविंद महाराज आना यहाँ पर बंद कर दिए। लाल गोविंद प्रभु जी ने भागवत की परिभाषा करते वक्त भी ये बता दिया, और ये मैं पहली बार सुन रहा था भागवत का एक एक अक्षर का मतलब क्या होता है। भा यानि कि भक्ति देने वाला, ग यानि कि ज्ञान देने वाला, व यानि कि वैराग्य देने वाला, और त यानि कि तारने वाला। तो तारता कहाँ से है, तो ये भवसागर से तारता है। और आज ये 7वां दिन है, मुझे पता नहीं है कि प्रभु जी कथा करने वाले हैं या नहीं है, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी कथा के और आपके सबके बीच में हूँ। लेकिन ये 7 दिनों में जैसा भी हो, हमारे तरफ से उनकी कुछ सेवा नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने हम सबकी सेवा बहुत की है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जो हम मिस कर रहे थे वो हम एटलीस्ट अभी ये साल से मिस न हो। जब अभी मुझे सही में बोलना बहुत चाहता हूं लेकिन मुझे शब्द नहीं आ रहे हैं मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं सोच रहा था कि एंड में बात करना है तो कुछ मैं सोच लूंगा। तो भक्त ने, मधुसूदन प्रभु ने बराबर कॉर्नर में खड़ा कर दिया मुझे। तो जैसे प्रभु जी ने भागवत के 2 प्रकार जैसे बताए कि एक तो है भागवत शास्त्र है और दूसरा भागवत जो है जो भक्त है। और ये टाइम हमको ये पिछले 7 दिनों से सही मायने में अगर देखा गया तो जो भागवत भक्त है उनके मुख से ये भागवत कथा सुनने को हमें सबको सौभाग्य मिला। ये सौभाग्य, मैं फिर से वही पॉइंट पे आ रहा हूं कि हमको हर साल मिले, हम हर साल इस कथा का, लाल गोविंद प्रभु जी की कथा का, उनके एसोसिएशन का हमको लाभ मिले। और एटलीस्ट मैं आज ये कथा से, क्योंकि पिछले कुछ सालों से एसोसिएशन खास करके हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज के मुख से हिंदी में भागवत कथा नहीं मिलने की, सुनने को नहीं मिलने की वजह से कभी कभी हम लोग जैसे कहते हैं ना कि अगर दूध नहीं मिलता है तो छाछ से हम उसकी प्यास बुझा लेते हैं, वैसे हम को किसी की सीढ़ी सुनो, महाराज की सीढ़ी सुनो, लेकिन उतना आनंद नहीं मिलता था, क्योंकि जब महाराज कभी कथा करते थे तो उनका एकदम सिंपलनेस, जो ढंग से वो खुद भी कुछ अगर बता रहे तो हंसते थे, तो वो जिस ढंग से महाराज अलग अलग दृष्टांत देखे, कोई भी चीज़ हमारे दिल में हृदय तक पहुँच जाए और जो पॉइंट उसमें से जो बताना चाहते थे एग्जैक्टली उसी तरह लाल गोविंद प्रभु जी ने भी बहुत सारे दृष्टांत दिए, बहुत सारा अगर हम म्यूजिक वगैरह के वो ढंग से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को ऐसा वक्त मिला होगा कि थोड़ा बोर हो गए या नींद आ रही है, किसी को सोते हुए किसी ने नहीं देखा। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि प्लीज़, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी रिक्वेस्ट कीजिए और मैं यहीं पर रुक जाता हूं। हरे कृष्णा। हरि बोल, गोविंद माधव प्रभु की जय हो। सो अभी